मंगलवार को होमगार्ड सैनिकों ने काल आउट ड्यूटी रोटेशन नियम को समाप्त करने के लिए पीएचई मंत्री सुखदेव पासे को एक ज्ञापन सर्किट हाउस पर सौंपा, जिसमें उल्लेख किया गया कि नागरिक सुरक्षा तथा प्रबंधन मुख्यालय मध्य प्रदेश ने सैनिकों के रोटेशन दोबारा शुरू कर दिए हैं, जो कि वर्ष 2011 में हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा बंद कर दिया गया था। आदेश के बाद भी विभाग द्वारा नियम की अवहेलना करते हुए होमगार्ड काल आउट ड्यूटी को जारी रखा गया है। परेशानी यह है कि 10 माह ड्यूटी करने के बाद 2 माह सैनिकों को घर बैठना पड़ता है। सैनिकों ने मांग की है कि कोर्ट के आदेश अनुसार ड्यूटी को पूर्व की तरह यथावत रखा जाए। किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा आपने? हमारे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हम लोगों को 2011 में ये फैसला दिया गया था कि आप लोगों को नियमितीकरण किया जाएगा और आपको आरक्षक के समान वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाएगी। इसके लिए कमेटी का गठन करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय महोदय ने ये आदेश जारी करे थे। तो 2004 के बाद से कोई रोटेशन प्रथा वगैरह सब बंद हो गई थी और इस बारे में अभी तक कोई सैनिकों को कोई समस्या नहीं थी, परंतु अभी वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि इनको रोटेशन प्रथा वापस चालू की जाए और अभी तक माननीय उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश निर्देश का पालन नहीं करते हुए उनके आदेश की अवहेलना करी गई है और उसके आदेश की अवहेलना में अभी उन्होंने एक आदेश कराया कि फरवरी माह से ये रोटेशन प्रथा फिर लागू करेंगे और इस प्रकार से हम सैनिक और हमारे सैनिक के परिवार लोगों को आर्थिक रूप से जूझना पड़ेगा। और अब सैनिक बहुत सारे सैनिक ऐसे जो कि 45 साल के हो गए, 25 साल का कोई 45 साल का कोई 50 साल का है, जो अन्य किसी विभाग में न तो जा सकता है न नौकरी कर सकता है, उसके सामने आज की तारीख में भरण पोषण की बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। अगर इस प्रकार से अगर इन्होंने किट प्रथा रोटेशन प्रथा चालू करी और किट जमा करी तो कई सैनिक आत्महत्या करने के कगार पर खड़े हो जाएंगे। तो हमारा शासन से ये मांग है कि ये रोटेशन प्रथा जो चालू करने वाले हैं हमारे अधिकारी की तानाशाही के कारण या जो भी वरिष्ठ अधिकारी जिसने भी ये निर्देश दिए, ये इस आदेश को वापस तुरंत निरस्त करें और जो माननीय उच्च न्यायालय महोदय का जो आदेश है उस आदेश के पालन में ये रोटेशन प्रथा और जो भी हमारी जो मांगे थी जो माननीय न्यायालय ने दी है उन मांगों को ध्यान में रखते हुए हमारे को आरक्षक के समान वेतन दिया जाए। इसी के संबंध में हमने आज नागदा में पधारे माननीय मंत्री जी सुखदेव जी कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश शासन कैबिनेट मंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया और माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री दिलीप सिंह गुर्जर साहब को भी हमने इस मामले में एक ज्ञापन दिया और इनसे मांग करी कि शासन को इस तरफ ध्यान आकर्षित करें और हमारी मांगों को पूर्ण करने की कृपा करें।